चैनल डीडीसी रेसिपीज। आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों और बड़ों सभी का फेवरेट चीजी चीज बर्स पिज्जा, और वो भी बिना यीस्ट के कढ़ाई में। आप सब मुझसे कहते रहते हैं कि कढ़ाई में पिज़्ज़ा बना के दिखाइए, तो बस मैं इस बार वही बनाने वाली हूँ। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट बन के बनता है, और आप अगर एक बार इसको घर में बना लेंगे तो मार्केट का पिज़्ज़ा बिल्कुल भूल जाएंगे। तो लेकिन फ्रेंड्स, इसको वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप मेरी ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखते रहें। उसके लिए तो जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, उसके नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा आ रहा है, तो उसको प्रेस करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का आपको पता चल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका डो बनाएंगे, यानी उसका आटा तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक कप मैदा ले लिया है। आप चाहें तो गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं, उससे भी पिज़्ज़ा अच्छा बनता है। और एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, एक छोटा चम्मच चीनी यानी कि शुगर, एक छोटा चम्मच नमक, एक छोटा चम्मच बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा बहुत ज़रूरी है, आपको दोनों लेना है, तभी जो है उसका डो अच्छा तैयार होगा। और दही है, ये दही आप चाहे खट्टा हो तो वो भी ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे पहले अब हम एक मिक्सिंग बोल में एक कप मैदा डालेंगे, जो हमने लिया है एक कप मैदा, चीनी, बेकिंग पाउडर, नमक, बेकिंग सोडा, इन सबको डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और दो चम्मच, बड़े चम्मच दही डालकर हम इसको डो लगाना शुरू करेंगे। अब आपको धीरे धीरे इसमें दही डालते जाना है, और जितना दही लगेगा उतना ही इसमें डालकर इसका एक सॉफ्ट सा हमें डो तैयार करना है। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना घर पर, बस वैसे ही सॉफ्ट सा, मुलायम सा हमें एक डो तैयार करना है। बहुत ज़्यादा इसको सख्त भी नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि दही आप थोड़ा थोड़ा डालकर बनाते जाएं, जितना भी दही आपका लगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम दही फेंट के लेते हैं, या हम दही ऐसे ही ले लेते हैं, या फिर दही पतली होती है, गाढ़ी होती है, तो अलग अलग हिसाब से दही होती हैं, तो उसी हिसाब से ये लगेंगी भी। देखिए डो तैयार हो गया है, तो मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, और फिर तेल डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके रेस्ट करने के लिए रख देंगे। हमें इसे 15 मिनट के लिए कवर करके रेस्ट के लिए छोड़ना है, ताकि इसमें थोड़ा फर्मेंटेशन हो जाए, खमीर उठ जाए। तब तक के लिए हम कढ़ाई गरम कर लेंगे, जिसमें पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो मैंने गैस ऑन कर ली है और कढ़ाई रखी है। इसमें एक कप नमक डाल रही हूँ, क्योंकि हमारा पिज़्ज़ा इस नमक के ऊपर ही बनेगा। नमक हम इसको अच्छे से फैला देंगे, ताकि अच्छे से इसकी हीट सब तरफ पिज़्ज़ा में लगे। अब इसके ऊपर आप चाहें तो ऐसे स्टैंड रख सकते हैं, और अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप एक कटोरी भी रख सकते हैं। जैसे मैं आज इस कटोरी में ही बनाऊंगी, इसी को मैं यूज़ करके कढ़ाई में पिज़्ज़ा और केक बनाती हूँ, तो मैं इसी को यूज़ करूँगी इसके लिए। उसके बाद हम इसे कवर करके 15 मिनट के लिए मीडियम हाई हीट में छोड़ देंगे, ताकि कढ़ाई अच्छे से प्री हीट हो जाए। उसके बाद हम इस पर पिज़्ज़ा रखेंगे। तो तब तक हम प्लेट को, जिसमें हमें पिज़्ज़ा बनाना है, उसको ग्रीस कर लेंगे। तो मैं थाली आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे स्प्रिंग जो केक टिन होता है ना, उसका जो बेस होता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज जो सबके पास प्लेट होती है, थाली होती है, तो मैं प्लेट में ही पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो हमें इसको अब ग्रीस कर लेंगे। तो मैं इसको बटर से ग्रीस कर रही हूँ, आप चाहें तो उसमें घी भी लगा सकते हैं, और लगाना लेकिन ज़्यादा ज़्यादा है, ताकि आपका पिज़्ज़ा इसमें से आसानी से निकल जाए, और नीचे से भी थोड़ा अच्छे से वो कुक हो जाए। तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा लगा लिया है बटर। अब यहाँ देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, तो हम डो को देखते हैं। वाओ, देखिए डो आप देख सकते हैं थोड़ा फूल चुका है। तो हम इसको हाथ से इस तरीके से डीफ्लेट करके हम इसे अच्छे से गूंध लेंगे। थोड़ा हम इसे अच्छे से गूंध लेंगे, ताकि और सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसको इस तरीके से एक सार कर लेंगे, और लंबा बनाकर तीन इक्वल पार्ट में हम इसे डिवाइड कर लेंगे। उसमें से हम एक पार्ट निकाल लेंगे, और जो दो पार्ट होंगे उनका हम एक अलग से पेड़ा बना लेंगे।
जो हमने छोटा लिया देखे वो भी बना लिया, अब दो दो जो बड़े थे उनका एक बना, तो दो हमारे पेड़े बन तैयार होंगे, एक छोटा एक बड़ा। अब मैंने ये मक्के का आटा लिया है, ये कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लार नहीं है, सिर्फ मक्के का आटा है जिससे हम मक्के की रोटी बनाते हैं ना, बस वही। और ये मैदा, तो हम दोनों चीज़ को थोड़ा थोड़ा बॉड में डाल देंगे। अगर आपके पास मक्के का आटा ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मैदा भी फैला के बना सकते हैं। अब हम इसमें जो हमने छोटा वाला बॉल बनाया है ना, उससे एक रोटी बेल लेंगे। मक्के के आटे से ऐसा होता है कि थोड़ा सा इसमें क्रिस्पीनेस आ जाती है, तो इसको हमें एक उतना ही बेलना है जितना हमें बड़ा पिज़्ज़ा बनाना है, जितना बड़ा हमारे पास बेस होगा जिसमें प्लेट या हम जो भी चीज़ ले रहे हैं जितना बड़ा वो होगा उतना ही हमें इसे बेलना है, मतलब जितना बड़ा हमें पिज़्ज़ा बनाना है उतना ही बेलना है। उसके बाद हम इसे फोक से इस तरीके से निशान बना लेंगे, जो मार्केट से पिज़्ज़ा बेस आता है ना उसमें आपने देखा होगा ऐसे ही बने रहते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये बनाते समय फूले नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये फूल जाएगा तो बेस ख़राब हो जाता है। अब मैंने देखिए तवा रख लिया है और गैस गर्म हो गई है, तवा भी गर्म हो गया है, तो हम इसमें जो रोटी हमने बनाई है वो डाल देंगे। इसको हमें मीडियम लो फ्लेम में, बिल्कुल लो फ्लेम में ही पकाना है ताकि ये बहुत ज़्यादा कड़क ना हो और बहुत ज़्यादा पके भी नहीं, बस हमें इसे हल्का हल्का ही पकाना है क्योंकि अभी जब पिज़्ज़ा बनेगा तो ये फिर उसमें भी पकेगी, तो थोड़ा सा ही हम इसको पका के निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ से इसको थोड़ा थोड़ा पकाया है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाया है, इसको हम निकाल के अलग रख लेंगे। अब जो हमने बड़ा वाला डो बनाया बॉल बनाया था उसको भी हम बेल लेंगे थोड़ा सा, फिर हम दोनों आटा फिर से फैला लेंगे और उसके ऊपर हम हाथ से पहले इसको दबा दबा के ही बड़ा बना लेंगे और उसके बाद हम इसे बेलेंगे। लेकिन ये वाली जो हम इसको चपाती बेलेंगे वो जो है पहली वाली से बड़ी होगी, पहला वाला तो हमने सिर्फ पिज़्ज़ा जितना हमें बनाना है, जितना हमने बेस लिया बेस बनाना है पिज़्ज़ा का उतना बड़ा बनाया है, लेकिन ये इससे बड़ी बनेगी। क्योंकि ये जो है हम अभी आपको बताएंगे आगे कि इसका अब क्यों हम इसे बड़ी बना रहे हैं, आप देखेंगे। तो बस ये ध्यान रखिए कि इसको आपको बड़ा बेलना है, उससे ज़्यादा बड़ा। तो देखिए मैंने तैयार कर ली है और इसको हम साइड में, जितना हमने एक रोटी बनाई थी ना उतना हम बीच में छोड़ देंगे और उसके बाद जो साइड में है उसमें ऐसे गड्ढा सा बना लेंगे। देखिए बीच में रोटी के जितना जो हमने पहले रोटी बनाई है उतना छोड़ दिया हमने, और इसको भी हम फोक से निशान बना लेंगे ताकि ये भी फूले नहीं, ये हमारा मेन बेस है पिज़्ज़ा का। अब हम एक फिलिंग तैयार करेंगे, उसके लिए मैंने डेढ़ बड़े चम्मच मेयोनीज लिया है और डेढ़ बड़े चम्मच ही मैं इसमें मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ जो मैंने पहले से ग्रेट करके रखी हुई है। आप चाहें तो सीधे पिज़्ज़ा वो चीज़ भी लगा सकते हैं इसमें, जो चीज़ स्प्रेड मार्केट में आती है या जो चीज़ स्लाइस आती है मार्केट में वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, बट चीज़ स्लाइस से ऐसा होता है कि जब वो पकती है ना तो वो बाहर निकल के गिरने लगती है, उसे नमक भी ख़राब हो जाता है, तो आप अवॉइड ही करें तो अच्छा है। उसके बाद ये बेस हम उतनी जगह पर लगाएंगे जितना हमने रोटी बनाई है पहले वाली, बस उतने पर ही ये लगेगा गोल में, गड्ढे के अंदर अंदर जो हमने गड्ढा बनाया है उसके अंदर अंदर ही हम इसे लगाएंगे। देखिए बाहर का मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है, ये ऐसे ही हमें छोड़ना है। अब जो हमने रोटी बनाई है ना उसको इसके ऊपर रख देंगे और थोड़ा सा हल्के से हम इसे प्रेस कर देंगे इसके ऊपर। अब जो बाहर का पोर्शन हमारा छूटा है उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी लगा देंगे, पानी थोड़ा नहीं बल्कि थोड़ा ज़्यादा लगाइए ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। ये हमें सील करने के लिए हम पानी लगा रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही लगाएं ताकि अच्छे से ये ऊपर वाली रोटी पे चिपक जाए और जब हमारा पिज़्ज़ा पके तो इसकी जो फिलिंग है वो बाहर बिल्कुल भी ना आए। देखिए अब इसे ऐसे दबा दें, दबा के ये अच्छे से सील हो जाएगा और उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम साइड से इसे उठा लेंगे ताकि बीच में एक गड्ढा सा बन जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं बीच में एक गड्ढा सा बन गया है, वही बनना चाहिए, उसमें हमें अभी फिलिंग डालनी है। थोड़ा सा हम इसे फोक से और दबा के सील कर लेंगे, इतना हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारी अंदर की फिलिंग है वो बिल्कुल भी पिज़्ज़ा पकते समय बाहर ना आए। एक तो पिज़्ज़ा ख़राब हो जाता है, दूसरा जो नमक है वो भी ख़राब होता है और धुआं उठने लगता है तो वो बुरा लगता है हमें। अब हम इसकी जो हमने गड्ढा बनाया ना उसमें पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, ये पिज़्ज़ा सॉस मैंने घर पर ही बनाया है, आप कलर देख सकते हैं थोड़ा सा अलग है, इसकी मैं जल्दी ही रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। तो थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस ना आप ज़्यादा ही लगाएं क्योंकि इससे जो है पिज़्ज़ा जूसी बनता है तो अच्छा लगता है, और वैसे भी हमने गड्ढा बनाया है तो ये बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो थोड़ा ज़्यादा ही पिज़्ज़ा सॉस आप इसमें डालें, फ्लेवर्स भी होते हैं तो अच्छा भी लगता है।
उसके ऊपर जो मैंने मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके रखी है वो डाल रही हूँ। आप भी इसी तरीके से पहले से ग्रेट करके रख लें चीज़ को, तो आसानी हो जाती है। ऐसे ग्रेट करके आप इसे फ्रिजर में भी रख सकते हैं और जब चाहिए तो थोड़ी देर 10-15 मिनट बाहर निकाल के यूज़ कर सकते हैं। और चीज़ आप ज़रूर ज़्यादा डालिए, तभी पिज़्ज़ा का मज़ा आता है। मैं भी थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ क्योंकि सबको ये बहुत पसंद है। ये मैंने देखिए आप वेजीज ले ली हैं, ये इस पर मैंने अनियन, कॉर्न और 3 अलग अलग कलर के शिमला मिर्च लिए हैं और आलोपिनो भी लिया है, तो इसको मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। आप अपने मर्जी से कुछ भी वेजिटेबल ले सकते हैं। मेरे पास येलो, ग्रीन और रेड कलर की कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च रखी हुई थी, तो मैंने इसे यूज़ कर लिया है। इससे इसका जो है शो बहुत अच्छा आता है, अच्छा सा कलरफुल दिखाई देता है पिज़्ज़ा, खाने में भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपके पास ये ना हो तो आप चाहें तो सोया बड़ी को भी इसमें फ्राई करके डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें पनीर डाल सकते हैं, या अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, सॉरी नॉन वेज खाते हैं तो आप इस पे चिकन डाल सकते हैं। देखिए मैंने आलोपिनो भी इसके ऊपर लगा दिया है और अब मैं कॉर्न डाल रही हूँ। हमारे घर में ये चीज़ें सबको बहुत पसंद है, तो मैंने सारी चीज़ें एक साथ डाल दी है। बच्चे इसे बहुत ही चाव से खाते हैं, उन्हें कॉर्न भी चाहिए होता है, आलोपिनो भी, तो मैंने सब डाल दिया है इस पे। और उसके ऊपर से मैं और चीज़ डाल रही हूँ, वही मोज़रेला चीज़ है ये, ताकि वेजिटेबल इसमें अच्छे से स्टिक करें और थोड़ा ज़्यादा चीज़ी बने। थोड़ा सा इसके ऊपर हम ब्लैक पेपर डाल देंगे, काली मिर्च और थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स और ओरेगानो। अब हम साइड वाले में जो हमने ऊपर से उठा रखा था ना, उसमें जो है हम बटर लगा देंगे या घी, जो भी आप चाहें लगा दें उसको, ताकि इससे जब पकेगा तो फिर बहुत अच्छा ये लगता है और सॉफ्ट भी बनता है, नहीं तो ये क्रस्ट जो है हार्ड हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा आप बटर ज़रूर लगाएं। अब इसको जो हमने प्लेट तैयार करी थी या जो भी हमने तैयार किया है जिसके ऊपर हमें पिज़्ज़ा को पकाना है उसमें रख देंगे। आप चाहें तो ये सब असेंबलिंग आप पहले ही प्लेट में कर सकते हैं, मैंने इसे बोर्ड में करके फिर प्लेट में रखा है, तो आप सीधे ही प्लेट में रख के फिर आप पूरा पिज़्ज़ा असेंबल कर सकते हैं। अब हम कढ़ाई का ढक्कन हटा लेंगे, ये बहुत गर्म है, इसको बिल्कुल आपको ध्यान से हटाना है। इसमें मेरा भी हाथ जल चुका है, तो आप बिल्कुल सावधानी से इसे करें, इस वक्त ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो हम इसको रख के इसमें कवर लगा देंगे और लिड लगाने के बाद हम इसे 15 मिनट के लिए फिर से जो है मीडियम हीट पे पका लेंगे। लेकिन ध्यान देना है, मैंने जैसे आपको बताया कि सबका जो है गैस का जो फ्लेम है वो अलग होता है, बर्नर और जो है आपने जो कढ़ाई यूज़ करी उसका साइज़ अलग होता है, तो ये भी जल भी सकता है, तो आपको 10 मिनट के बाद एक बार तो ज़रूर चेक कर लेना है। देखिए मैंने 15 मिनट के बाद इसको चेक किया तो ये बिल्कुल पक चुका था। वाओ, आप देख सकते हैं इसका कलर और कितना अच्छा आया है, इसका क्रस्ट भी कितना अच्छा बना है, ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है पूरे घर पे। तो हम इसे निकाल लेंगे, देखिए मैंने इसे बोर्ड पे निकाल लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस ये बना है और बिल्कुल आप इसको घर पे ही चीज़ बस पिज़्ज़ा बना सकते हैं। अब आपको मार्केट से इसको मंगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए बेस भी इसका कितने अच्छे से पका है और आप देख रहे हैं बेस दिखाते समय ये साइड से टूट गया, तो इसका मतलब इसका ये जो क्रस्ट है वो भी कितना सॉफ्ट बना है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस ये पिज़्ज़ा बन के तैयार है, बहुत ही अच्छा इसका क्रस्ट बना है। आप इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई करें, आप इसको मार्केट से बिल्कुल ना मंगाएं, बल्कि कढ़ाई में फटाफट आप अपने घर पे ही इसको तैयार कर सकते हैं। चलिए इसे कट भी करते हैं, 2 मिनट मैंने ठंडा होने के बाद इसे कट कर रही हूँ, क्योंकि जब तक पिज़्ज़ा को कट करके ना देखा जाए तो मज़ा ही नहीं आता है। तो चलिए मैं इसे आपको दिखाती हूँ। वाओ, देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी चीज़ आपको दिखाई दे रही है। मेरी मम्मी कहती हैं जब तक इस तरीके से चीज़ ना दिखाई दे तो पिज़्ज़ा खाने का मज़ा ही नहीं आता है। तो देखिए मैंने चीज़ का शो भी कर दिया है और अब आप देख सकते हैं इसके अंदर भी देखिए कितनी अच्छी फिलिंग है, देखिए बाहर चीज़ इसमें से निकल निकल के आ रही है, देखिए साइड से आप देख सकते हैं इसमें से चीज़ निकल रही है। तो ये बहुत ही चीज़ी, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही सॉफ्ट पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है और वो भी बिना किसी ईस्ट के कढ़ाई में बना है। तो आप इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हम कितनी आसानी से घर में कढ़ाई में चीज़ बस पिज़्ज़ा बना सकते हैं।
कितनी आसान, कितनी इजी रेसिपी है, बनता बहुत ही टेस्टी है। आप इसे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये पिज्जा कैसा लगा और आपका पिज्जा कैसा बना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल डीडीसी रेसिपीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स, नीचे एक सब्सक्राइब बटन है ना, उसको जरूर दबा दें और साथ में एक बेल आइकॉन आएगा तो उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस का आपको पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय। हेल्दी रहिए, खुश रहिए।